खबर 9 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हमारी सभी न्यूज प्राप्त करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रीति शर्मा। मध्य प्रदेश शासन के उद्योग मंत्री एवं धार जिले के कोरोना प्रभारी श्री राजवर्धन सिंह दतिगांव ने सोमवार सुबह 11 बजे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दसई पर पहुंचकर स्वास्थ्य केंद्र पर लोगों को मिल रही व्यवस्थाओं की जानकारी ली। उद्योग मंत्री ने स्वास्थ्य केंद्र पर पदस्थ डॉक्टर नरेंद्र मिश्रा एवं डॉक्टर मोनिका पटेल से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर वर्तमान में लोगों को स्वास्थ्य सेवा देने में आ रही समस्याओं के बारे में भी जानकारी ली। स्वास्थ्य केंद्र पर कई वर्ष से अधूरे पड़े प्रसूति भवन को शीघ्र बनाकर ऑक्सीजन पाइपलाइन लगाने एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के परिसर में समीप खाली पड़ी जगह पर 20 बिस्तर के नवीन कमरे के शीघ्र निर्माण कार्य प्रारंभ करने का सरदारपुर सीओ को निर्देश उद्योग मंत्री ने दिया। साथ ही आश्वासन किया है कि शीघ्र ही ऑक्सीजन सिलेंडर एवं जन भागीदारी से एम्बुलेंस की व्यवस्था करवाने का प्रयास किया जाएगा। इसके लिए उन्होंने एक जन भागीदारी समिति के माध्यम से राशि एकत्रित करने की बात भी कही है। हमारे हिसाब से तो बहुत सफल इसलिए माना जा सकता है क्योंकि उन्होंने हमसे कुछ प्रारूप मांगे थे कि आपको क्या क्या यहाँ आवश्यकता है और बेसिक रिक्वायरमेंट के आधार पे हमने उनके सामने कुछ मांगे रखी हैं कि सबसे पहले तो यहाँ ऑक्सीजन की व्यवस्था की जाए, ऑक्सीजन सिलेंडर कम से कम 5 दिए जाए, ऑक्सीजन प्लांट अगर लगा सके तो अच्छी बात है, नहीं भी लगा सके तो सरदारपुर से कंटिन्यू हमें ऑक्सीजन की सप्लाई होती रहे। दूसरी बात, हमारा स्टाफ है जो वो ऑलमोस्ट 50% ऑफ फील्ड में लगा दिया गया है और दूसरा जो बचा है वो सरदारपुर कोविड सेंटर में उसकी ड्यूटी लगा दी गई है, तो वो सभी हमारा स्टाफ यहाँ रिटर्न कर देंगे तो हम 24 घंटे जो ड्यूटी दे रहे हैं। हम 2 डॉक्टर हैं यहाँ, केवल हमें सपोर्टिव स्टाफ की ज़रूरत है, तो वो स्टाफ आ जाएगा तो प्रॉपर ट्रीटमेंट। और कोरोना में हम चेन तोड़ के इसको सेकंड सर्च में पूर्णतः खत्म करना चाह रहे हैं। धार जिले में अच्छा कार्य हुआ है, मैं सभी स्वास्थ्यकर्मियों को, प्रशासन को, समाज सेवी जो लोग हैं सबने जिन्होंने योगदान दिया सबका आभार भी मानना चाहता हूँ। हमारा एक वक्त ऐसा था 20% से ऊपर हमारा संक्रमण था, वो कम हो गया है, हम सिंगल डिजिट में आ गए हैं। आने वाले कुछ दिनों में हमारा प्रयास है पूरी तरीके से हम कोरोना से फ्री हो जाए, बहुत सामान्य जीवन की ओर लौटें, लेकिन भविष्य में हम कभी इस तरीके से इस स्थिति में ना रहें कि हमारे पेशेंट्स आ जाए और हमारे पास व्यवस्था ना हो। सबके बारे में सोचता है, मैंने सभी मेहमान लोगों से आज यहाँ प्रार्थना की है, भागीदारी से भी कुछ आप सहयोग करें, भवन पूरा प्रयास करें जल्दी बन जाए। एक और जरूरी नॉन पेशेंट्स के लिए, भवन के लिए मैंने प्रशासन से आग्रह किया है, स्टाफ का हम प्रयास करें कि एम्बुलेंस की दुकान की आवश्यकता है, यहाँ पर आवश्यकता है, तो मेरा ये प्रयास रहेगा सबके मदद से कि हम यहाँ पे जो वार्ड बने करीब 20 बेड का वार्ड बन रहा है, लेकिन 10-12 बिस्तर आ जाएंगे तो ऑक्सीजन पाइपलाइन यहाँ पे लग जाए। ऐसी परिस्थिति भविष्य में कभी आए जिनमें दिक्कत आ जाए तो कम से कम हम बिस्तरों को ऑक्सीजन रेडी बना पाए, पाइपिंग हो तो सिलेंडर से किसी भी माध्यम से भविष्य में कौन सा सिलेंडर ला के लगा सकते हैं कि हमारा पेशेंट आए उसको ठीक हो जाए। प्रदेश में लगातार कांग्रेस बोल रही है कि सरकार ऑक्सीजन की कमी दूर नहीं कर पा रही है और जमीन स्तर पर कांग्रेस ही आ नहीं रही, इसके बारे में क्या कहेंगे? कांग्रेस क्या कह रही है, क्या नहीं कह रही है, इस बात की ना तो चिंता है सबसे कर। मेरा उद्देश्य मात्र और मात्र ये कि जितने लोगों को कोरोना से बचा पाए, इतनी सहायता कर पाए। और जैसे कमलनाथ जी जब सरकार में तो कहते थे कि मुंह चलाना आसान है, सरकार चलाना मुश्किल है, कमलनाथ जी के शब्द हैं, मैं वापस याद दिलाता हूँ अपने मित्रों को, मुंह चलाना आसान है, सरकार चलाना मुश्किल। ये समय बात करने का, ये समय फील्ड में रह के यथाशक्ति यथासंभव जन कल्याण में मानव सेवा में। सरदारपुर से मनीष चौधरी की रिपोर्ट। फिलहाल इतना ही, आज के लिए बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।